हेलो फ्रेंड्स दिस इज सी अतुल मित्तल ऑथर ऑफ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकनॉमी फॉर आइस फिल्म एग्जाम फ्रेंड्स आज देखते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट देखिए फ्रेंड्स मनी मार्केट को आरबीआई कंट्रोल करता है और सिक्योरिटी मार्केट कैपिटल मार्केट को सेबी कंट्रोल करता है मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट मीट होती है और कैपिटल मार्केट में मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट देखिए मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं कॉल मनी रेपो रेपो हम पढ़ चुके हैं ट्रेजरी बिल हम पढ़ चुके हैं कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट क्विटलाइज बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशन ये क्या है सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है देखिए प्रिलिम्स टू में क्वेश्चन आया था कमर्स की विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म बिल्कुल करेक्ट है शॉर्ट टर्म है प्रोमिसरी नोट सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट इज ए लॉन्ग टर्म तो देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट है शॉर्ट टर्म है है ये रॉन्ग आंसर तो जैसे ही हमने एलिमिनेट किया आपका ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन ये भी बिल्कुल करेक्ट है थ्री एकदम करेक्ट है तो वन एंड थ्री आपका करेक्ट आंसर है interest bearing. Interest bearing जीरो कूपन बॉन्ड आर इंटरेस्ट बियरिंग इंटरेस्ट बियरिंग देखिए जीरो कूपन हमने पैसरू में पढ़ा था जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे एस्यू होते हैं और पार और रिपेबल एट पार होते हैं तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है जो डिस्काउंट पे आपने खरीदा है सौ रुपये का बॉन्ड है नाइनटी सिक्स पे एस्यू हुआ तो चार रुपये आपका क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया तो अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है डिस्काउंट पे आपने खरीदा रिपेबल होगा पार पे और डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो गया तो देखिए फोर भी क्या है आपका रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है एलिमिनेशन टेक्निक से तो बहुत ही इजीली हो जाएगा ये आपको पता है कमर्शियल पेपर क्या है शॉर्ट टर्म है बिल्कुल करेक्ट है पहला करेक्ट है और दूसरा आपका रोंग है तो इन दोनों से ही आपका हो जाएगा कि भाई दूसरा रोंगे है जैसे ही एलिमिनेट हुआ पहला करेक्ट है तो पहला करेक्ट है तो ये फोर भी एलिमिनेट हो गया वन एंड थ्री क्लियर आंसर है तो देखिए शॉर्ट टर्म कॉल मनी मार्केट कॉल मनी मार्केट में बैंक क्या है ओवरनाइट बेसिस पर लोन ले सकते हैं ठीक है लेकिन और ये अन होता है कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी गिरवी नहीं रखनी है क्वालिटराइज बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन इसमें क्या है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल है यह आपको क्वालिटरल रखने पड़ते हैं तब आपको लोन मिलता है तो ये 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 अनसिक्योर्ड है एक तरह से ये सिक्योर्ड हो गया कमर्शियल पेपर देखिए कमर्शियल पेपर का मतलब है कि कंपनियां एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कमर्शियल पेपर इश्यू करते हैं कंपनीज एनबीएफसी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल पेपर तो कमर्शियल पेपर का जो टेन वो सेवन डेज से वन ईयर का होता है और मिनिमम क्या है कमर्शियल पेपर जो इश्यू होगा वो पांच लाख का होगा मिनिमम तो कमर्शियल पेपर के थ्रू भी कंपनियां क्या करती है लोन लेती है ये प्राइवेटली प्लेस इंस्ट्रूमेंट है आप क्या है कि लोन किससे ले सकते हो बैंक से ले सकते हो इन्वेस्टर से ले सकते हो एनआरआई से, से ले सकते हो किसी से भी आप लोन ले सकते हो तो कमर्शियल पेपर इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट भी कमर्शियल पेपर की तरह है? लाख तक का मिनिमम डिपोजिट होना चाहिए तब बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट इश्यू करती है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट कौन इश्यू करता है कमर्शियल बैंक है रीजनल रूरल बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट इश्यू करते हैं ये नेगोशिएबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो दूसरा क्या है यूजेन्स प्रोमिसरी नोट्स होते हैं यूजेन्स प्रोमिसरी नोट्स का मतलब है कि इनका एक टेन्योर होता है मेच्योरिटी पीरियड होती है ये अप टू वन ईयर मेच्योरिटी पीरियड के होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट बैंक इनको इश्यू करता है और ये किसी को भी इश्यू कर सकते हैं ऑल पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट देखिए जब भी कोई नए शेयर इश्यू होते हैं जब भी जैसे एल का आईपीयू आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी मार्केट ये जब भी कोई नया शेयर इश्यू होता है तो वो प्राइमरी मार्केट में इश्यू होता है जब एक बार शेयर इश्यू हो गया उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है फिर कोई भी उसको खरीद बेच सकता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट तो जब भी नया इश्यू नया शेयर इश्यू होगा तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलेंगे उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा फिर हम उसे ट्रेड करेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ गया बुल एंड बियर मार्केट बुल मार्केट क्या है जब प्राइस राइज हो रही है बियर में क्या है प्राइस फॉल हो रही है तो बुल मार्केट में इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक होता है प्राइस राइज हो रही है एग्रेसिव सेल परचेज करता है सिक्योरिटी को और इन्वेस्टर पैसेमिस्ट होता है बियर मार्केट में कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलता है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब भी किसी जैसे एल का आईपीओ आने वाला है जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं हम आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब वो पब्लिक को शेयर इश्यू करती है इसी तरह एक प्लाई प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जो अनलिस्टेड कंपनी है प्राइवेट प्लेसमेंट करती है शेयर का कि प्राइवेट पार्टी होती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको शेयर इश्यू करती है लेकिन अगर पब्लिक को इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ बोनस इश्यू का मतलब है फ्री शेयर जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो कंपनी फ्री शेयर इश्यू कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उसको बोलते हैं बोनस शेयर फर्दर इश्यू ऑफ शेयर देखिए कंपनी ने आईपीओ निकाला शेयर इश्यू किए पब्लिक को तो जो शेयर होल्डर है अब कंपनी फर्दर शेयर इश्यू कर रही है तो फर्दर शेयर इश्यू होगा तो सबसे पहले उन शेयरों को खरीदने का राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होता है तो कंपनी जब भी फर्दर शेयर इश्यू करेगी सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेगी कि हम ये शेयर इश्यू कर रहे हैं आप खरीदना चाहते हो कि नहीं अगर वो नहीं खरीदना चाहते हैं तब पब्लिक को इश्यू होंगे तो इनको हम बोलते हैं राइट इश्यू ऑफ सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग होल्डर है उनको राइट right होता है शेयर खरीदने का प्रीफरेंस शेयर देखिए प्रीफरेंस शेयर और एक होते इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर्स देखिए प्रीफ्रेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस ये है कि प्रीफरेंस शेयर पे और इक्विटी शेयर देखिए डिविडेंड दोनों पे मिलता है लेकिन जब डिविडेंड मिलेगा तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा इसी तरह जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी बंद होगी तो सबसे पहले रिफंड होगा वो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का होगा देन इक्विटी शेयर कैपिटल का होगा तो इनको प्रीफरेंसियल राइट होता है डिविडेंड का और शेयर कैपिटल का इसके अलावा इन इनपे जो डिविडेंड होता है वो परसेंटेज फिक्स होती है जैसे सेवन परसेंट प्रीफेंस ईयर एट परसेंट प्रीफेंस ईयर तो उनको फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड की कोई फिक्स रेट नहीं होती शेयर होल्डर की एजीएम होती है उसमें डिविडेंड डिसाइड होता है कितना डिविडेंड देना है अब देखिए प्रीफेंस ईयर भी बहुत तरह के होते हैं जैसे रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल की रिडीमेबल प्रीफेंस ईयर का मतलब है कि एक टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे इसी तरह क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमेटिव प्रीफेंस ईयर क्यूमुलेटिव का मतलब है कि जो डिविडेंड है सपोज ये टेन परसेंट प्रीफेंस इयर है टेन परसेंट प्रीफेंस तो इतना टेन परसेंट डिविडेंड मिलेगा कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो अगर क्यूम प्रसर है तो डिविडेंड इनका हो जाएगा अगले अगले साल साल प्रॉफिट होगा तो इनको की जगह बीस परसेंट डिविडेंड मिल जाएगा और नॉन क्यूमेटिव में क्या है ये डिविडेंड क्या लैप हो जाएगा अगले साल, तो अगले साल इनको दस परसेंट ही डिविडेंड मिलेगा क्योंकि नॉन क्यूमु है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी देखिए कंपनी अगर पब्लिक को कर रही है तो आईपीओ के थ्रू करेगी और पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है अंडर राइटिंग देखिए अंडर राइटिंग क्या होता है जब भी कंपनी नए आईपीओ लेके आती है तो आईपीओ लेके आई सपोज आईपीओ आया एक लाख शेयर का तो आईपीओ पब्लिक द्वारा एटलीस्ट नाइंटी परसेंट सब्सक्राइब होना चाहिए यानी एक लाख शेयर के लिए आपने आईपीओ लेके आए हो तो पब्लिक नब्बे हजार शेयर के लिए बोली लगाएगी तभी आप शेयर इश्यू कर सकते हो अगर आपके पब्लिक ने एट्टी फाइव थाउजेंड शेयर खरीदे तो उस केस में क्या होगा सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी तो इस केस में जो कंपनी नई नई कंपनी होती है अब जैसे रिलायंस है टीसी ये शेयर इश्यू करेंगी एल आई सी है इनको सोचने की जरूरत नहीं इनके शेयर ओवर सब्सक्राइब होने हैं लेकिन नई कंपनी मार्केट में आती है उसको लगता है पता नहीं लोग शेयर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे तो वो क्या करती है अंडर राइटिंग करा लेती है अपने शेयर का तो अंडर राइटर कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर राइटिंग में क्या होता है अंडर राइटर गारंटी देता है अगर पब्लिक ने शेयर नहीं खरीदे तो बैलेंस शेयर वो खुद खरीद लेगा तो पब्लिक ने एक लाख में से पिचासी शेयर खरीदे तो पंद्रह शेयर कौन खरीद लेगा अंडर राइटर खरीद लेगा या पंद्रह हजार नहीं तो पांच हजार शेयर खरीद लेगा जिससे आपका आईपीओ आगे बढ़ जाएगा इस केस में अंडर राइटर को क्या मिलता है अंडर राइटिंग कमीशन मिलता है म्यूचुअल फंड देखिए शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि शुरू में तो लोग पैसा कमाते हैं बाद में लॉस खाते हैं तो लॉस खाते हैं तो इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए म्यूचुअल फंड क्या होते हैं म्यूचुअल फंड आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं तो आपको अगर शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप शेयर मार्केट में पैसा ना लगा के म्यूचुअल फंड कंपनी है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए म्यूचुअल फंड आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड की देखिए म्यूचुअल फंड काम करने के लिए आपको सेवीसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा म्यूचुअल फंड कंपनियों का सेवीसी रजिस्ट्रेशन होता है म्यूचुअल फंड क्या करते हैं म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीमें होती हैं जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड या इक्विटी ओरिएंटेड इस केस में क्या होता है जैसे आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए जो कंपनी के इक्विटी शेयर में पैसा लगाते हैं आपको फिक्स रिटर्न चाहिए तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए जो कंपनी के बॉन्ड डेवेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं जिससे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगी क्या बैलेंस और हाइब्रिड स्कीम में क्या है ये म्यूचुअल फंड दोनों में इक्विटी शेयर में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बॉन्ड डेवेंचर में भी इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह मनी मार्केट स्कीम है ऐसे म्यूचुअल फंड है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है उसमें पैसा लगाते हैं तो फंड के काफी सारे टाइप होते हैं इसी तरह

तो आप देख सकते हो आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है अभी देखिए इस समय यूक्रेन और रशिया के के वॉर की वजह से पूरा स्टॉक मार्केट डाउन है सारे म्यूचुअल फंड भी डाउन है सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिए बहुत सारे आप जो भी जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट खोलोगे ग्रो की साइट पर जाओगे जरोदा पे जाओगे तो आपको काफी सारे ब्रोकर की साइट पर मिल जाएगा जैसे आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए जो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं अगर आईटी सेक्टर का शेयर बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी तो म्यूचुअल फंड से बेनिफिट यह है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है अब देखिए म्यूचुअल फंड है वो एंट्री और एग्जिट लोड जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड अपना सेल करोगे एग्जिट करोगे तो एग्जिट करोगे तो म्यूचुअल फंड आपसे कुछ चार्ज वसूल करते हैं और देखिए म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन सेवी के थ्रू होना जरूरी है एस आई पी एक वर्ड सुना होगा एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एस आई पी क्या है कि आपने म्यूचुअल फंड में पांच हजार रुपए महीने की एस आई पी कर दी कि आपने डेट फिक्स कर दी कि पांच तारीख को मेरे म्यूचुअल फंड में एस आई पी पांच पांच हजार की कर दी पांच तारीख को तो हर पांच तारीख को चाहे देखिए शेयर मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है हर पांच तारीख को आपके अकाउंट से पांच हजार रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते चले जाएंगे जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एस लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप फंड क्या है कि देखिए जो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप हंड्रेड कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप हंड्रेड कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं और एक सौ एक से ढाई सौ वाली कंपनियों को मिड कैप और ढाई सौ से ऊपर वाली कंपनियों को हम स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं तो इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट है वेन सप्लाई ऑफ मनी रिमेन द सेम सप्लाई मनी की सेम है और डिमांड बढ़ रही है तो देखिए सप्लाई सेम है डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो थैंक यू फ्रेंड्स आपके देखिए आठ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं तो बेसिक जो इकोनॉमी है कि जो आप प्रिलिम्स का जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको इकोनॉमी में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपकी बेसिक इकोनॉमी सारी कवर हो चुकी है अब इंटरनेशनल ट्रेड आएगा इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित हम इकोनॉमी देखेंगे तो थैंक यू फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आई हो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और नोट्स आप आई एस सेल्फ स्ट्री डॉट कॉम से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो ये मेरा मोबाइल नंबर है कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हो थैंक यू फ्रेंड्स